के ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः एक बार मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छठगण, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने अकबर की शुरुआत की थी और जाना था कि अकबर का कैसे प्रतीकात्मक राज्याभिषेक ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने किया था। आज हम लोग उस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने लिखने की कार्रवाई की थी और जानेंगे सारी बातों को। छठगण, क्या सवाल पूछे जाएंगे, गौर कीजिएगा। पूछेगा अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था, 1556 से 1605 तक था। अकबर का वास्तविक नाम क्या था, जलाल था। क्या नाम था छठगण, जलाल था। अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किस मुगल शासक को महान शासक द ग्रेट किंग कहा जाता है, अकबर को द ग्रेट किंग कहा जाता है, महान शासक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542 को, कहां पर, अमरकोट के राणा विशाल के राजमहल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अमरकोट अभी पाकिस्तान में है छठगण। पूछेगा वर्तमान में अमरकोट कहां है, तो पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा, गौर करेंगे छठगण, अपने नोट्स कॉपी में लिख लें, अमरकोट पाकिस्तान में है। छठगण, राणा वीरसाल जो कि एक राजपूत शासक थे, हुमायूं के परम मित्र थे, शेरशाह द्वारा खदेड़ जाने के बाद हुमायूं मारा मारा फिर रहा था और उनकी पत्नी हामिदा बानो बेगम या हाजी बेगम गर्भवती थी। छठगण, एक मुस्लिम शासक ने अपने हिंदू मित्र पर विश्वास किया, अपने राजपूत मित्र पर विश्वास किया, अपनी पत्नी को अमानत के तौर पर उसके यहां सौंपा और निकल पड़ा अफगानिस्तान, कंधार और अपने अन्य क्षेत्रों में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। सोचिए छठगण, विश्वास इसी को कहा जाता है, यही है अटूट विश्वास, यही है हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय, यही है धर्मनिरपेक्षता, यही है सांप्रदायिक सौहार्द। छठगण, हिंदू मित्र ने भी हुमायूं की मित्रता की लाज रखी और हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई अकबर की, जो कि अमरकोट के राणा विशाल राजपूत शासक के घर में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का बाल्यकाल, अकबर का बचपन बीता है राजपूत परिवार में, हिंदू परिवार में। बचपन से ही होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे हिंदू पर्व त्योहारों को देखना, उसके अंदर हिंदू धर्म के प्रति लगाव, हिंदू धर्म के प्रति सम्मान, हिंदू धर्म के प्रति करुणा, हिंदू धर्म के प्रति आदर और हिंदू धर्म के प्रति संवेदनशीलता की भावना को जागृत करता है छठगण, ध्यान रखेंगे। छठगण, संस्कारों का मनुष्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपका बाल्यकाल कैसा बीता है, आपका बाल्यकाल कैसे परिवार में बीता है, उस परिवार में किस तरह के संस्कार थे, किस तरह के लोग थे, काफी मैटर करता है आपके भविष्य को बनाने में, आपके व्यक्तित्व को सजाने और संवारने में। अकबर का भी बाल्यकाल चूंकि एक हिंदू राजपूत शासक के यहां गुजरा था, इसलिए अकबर के हृदय में, मन मस्तिष्क में हिंदुओं के प्रति दया और करुणा की भावना थी, सम्मान की भावना थी, हिंदू पर्व त्योहारों के प्रति सम्मान की भावना थी, हिंदुत्व की भावना अकबर के मन मस्तिष्क में यदि थी, तो उसके बचपन के संस्कार थे छठगण, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा अकबर के संरक्षक का क्या नाम था, बैरम खान था, है ना, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छठगण, हुमायूं की जब मृत्यु हुई, उस समय अकबर की उम्र महज 13-14 साल के लगभग थी। छठगण, हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय अकबर का यह दुर्भाग्य था कि वह अपने संरक्षक बैरम खान के साथ पंजाब के कलानौर अभियान पर था। छठगण, हुमायूं की मृत्यु हुई और इसका फायदा उठाकर सूर वंश के शासक आदिल शाह सूर का वजीर, प्रधानमंत्री और सेनापति हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया छठगण, और अकबर के हाथों से मुगल सत्ता निकल गई। लेकिन छठगण, अकबर के संरक्षक बैरम खान भी हार कहां मानने वाले थे, उन्होंने भी 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान में ईंटों का सिंहासन प्रतीकात्मक तौर पर बनाया और अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया और कह दिया कि हुमायूं के उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक हो गया है, अकबर का राज्याभिषेक हो गया है। छठगण, हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कौन था यह व्यक्ति हेमू छठगण, जिससे सवाल आएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में। छठगण, हिंदू जाति से, पेशे से बनिया, नमक बेचने का काम करता था यह व्यक्ति। लेकिन छठगण, प्रतिभा यदि आपके अंदर है तो
तो यह कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे। छतगन, नमक बेचने वाला यह व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी वीरता, अपने प्रबंधन क्षमता, अपने शौर्य, अपने ताकत के बदौलत उस मंजिल तक पहुंचा जिसका ख्वाब बिरले लोग ही देखते हैं, और वह मंजिल थी भारत की गद्दी, भारत का शासन इसने अपने हाथों में ले लिया। छतगन, चेक रिकॉर्ड देखिए इसका, 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीते और 2 युद्ध ड्रॉ रहे, यानी 24 मैच आपने खेला, 22 मैच में सेंचुरी बनाई, 2 मैच में आपने बैटिंग ही नहीं की। सोचिए ये है ट्रैक रिकॉर्ड, कितना खतरनाक ट्रैक रिकॉर्ड है आप देख ले सकते हैं। तो छतगन ऐसा था व्यक्तित्व हेमू का, जिसे भारत का, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू सम्राट, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम सम्राट कहा जाता। पूछेगा भारत का अंतिम विक्रमादित्य सम्राट कौन था? हेमू था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम सम्राट कौन था? हेमू था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमू था। हेमू किस शासक का वजीर या सेनापति था? आदिल शाह सूर का वजीर या सेनापति था। ध्यान रखेंगे छतगन, सूर वंश के शासक आदिल शाह सूर का वजीर या सेनापति था हेमू। छतगन, हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया, महान वीर योद्धा था, 24 में से 22 युद्ध जीते थे। पूछेगा सवाल, हेमू के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, कौन से कथन को आप सही नहीं मानते हैं? नंबर एक, हेमू पेशे से बनिया था और नमक बेचने का काम करता था। नंबर दो, यह सूर वंश के शासक आदिल शाह सूर का वजीर एवं सेनापति था। नंबर तीन, हेमू ने 24 में से 22 युद्ध जीते थे। नंबर चार, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। नंबर पांच, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह अंतिम हिंदू सम्राट था। नीचे ऑप्शन देगा, केवल एक सही है, 1, 2, 3, 5 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, उपरोक्त सभी सही है, और एक ऑप्शन देगा, उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो छतगन, उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट व्हिच हैज बीन गिवन। तो छतगन, ऐसे सवाल यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, जेपीएससी के एग्जामिनेशन में, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, हायर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जब तक आपको हेमू के बारे में समग्र ज्ञान नहीं होगा, तब तक ऐसे क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे। बिना नवा सैलून के बाल आपका झड़ जाएगा छतगन, लेकिन सवाल नहीं बन पाएंगे, माथे की नस का आ जाएगी, है ना, हालत खराब हो जाएगा आपका, लेकिन सवाल ऐसे बनेंगे नहीं बन पाएंगे। तो छतगन, आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, और एक एक चीजों को याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जबरदस्त रूप से यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, इसको भी ध्यान रखना होगा, इसको भी मनन करना होगा, और इसको भी छतगन याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। छतगन, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, याद रखना होगा कि अकबर और हेमू का सामना कैसे हुआ, है ना। हेडिंग बनेगा छतगन अपने नोट्स कॉपी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, युद्ध लालियाहरा कलम से छतगन, पानीपत का द्वितीय युद्ध लिखिए, 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को हरियाणा के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर और हेमू की सेना के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। परंतु एक तीर अचानक हेमू की आंख में आकर लगा, एक तीर अचानक हेमू की आंख में आकर लगा तथा इस घटना ने अकबर को विजेता बना दिया,
विजेता बना दिया। नेक्स्ट, बैरम खान ने हेमू का युद्ध के मैदान में कत्ल कर दिया। बैरम खान ने हेमू का युद्ध के मैदान में कत्ल कर दिया, कर दिया, दिया। नेक्स्ट, इतिहासकार आर पी त्रिपाठी ने इस युद्ध के संबंध में कहा है, अकबर की विजय एक दैवीय संयोग थी। अकबर की विजय एक दैवीय संयोग थी तथा हेमू की पराजय एक दुखद घटना, हेमू की पराजय एक दुखद घटना घटना। नेक्स्ट, टेंशन, अकबर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। नेक्स्ट, अकबर के शासन में शामिल प्रमुख व्यक्तित्व निम्न थे। नंबर एक, बैरम खान। देखिएगा, डस देखे, अकबर ने इसे अपना वकील या प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अकबर इन्हें सम्मान से खान बाबा कहकर पुकारता था। अकबर इन्हें सम्मान से खान बाबा कहकर पुकारता था। नेक्स्ट, बैरम खान ने हुमायूं को दोबारा दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने में काफी सहयोग किया था। नेक्स्ट, अकबर ने बैरम खान को हज यात्रा के लिए मक्का जाने का आदेश दिया। हज यात्रा के लिए मक्का जाने का आदेश दिया। परंतु गुजरात के पाटन नामक स्थान में मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। अकबर ने
बैरम खान की विधवा सलीमा बानो बेगम, सलीमा बानो बेगम से विवाह कर लिया तथा बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम रहीम को अब्दुल रहीम को अब्दुल रहीम को अपने नवरत्नों में शामिल किया था, शामिल किया था। नंबर दूसरे व्यक्तित्व का नाम लिखिएगा छात्रगण, माहम अंगा, माहम अंगा लिखे। यह अकबर की सौतेली माता या धाई मां थी, यह अकबर की सौतेली माता या धाय मां थी, थी। नेक्स्ट, यह एक तेज तदार महिला थी तथा तथा इसका मुगल शासन में, मुगल शासन में अत्यधिक प्रभाव था, प्रभाव था, था। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल को मुगल शासन काल का पेटीकोट शासन, शासन का काल, का काल कहा जाता है। नेक्स्ट, महामंगा अपने पुत्र आधम खां को अकबर के स्थान पर शासक बनाना चाहती थी तथा अकबर के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करती थी, षड्यंत्र और साजिश करती थी, अकबर के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करती थी, करती थी। नेक्स्ट, अकबर ने इसे मुगल कैद में नजरबंद कर दिया, अकबर ने इसे मुगल कैद में नजरबंद कर दिया, दिया। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण, आधम खां, नंबर थर्ड एंड लास्ट, आधम खां लिखे। यह अकबर का सौतेला भाई था, यह अकबर का सौतेला भाई था, यह अकबर के खिलाफ साजिश करता था एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त था, संलिप्त था। अकबर ने इसे, अकबर ने इसे राजमहल की छत से, राजमहल की छत से दो बार फेंकवाकर, दो बार फेंकवाकर
इसकी हत्या करवा दी, दो बार फेंकवाकर इसकी हत्या करवा दी। छठगन ध्यान दीजिएगा, क्या सवाल आएंगे, पूछेगा अकबर के संरक्षक कौन थे, बैरम खान थे। बैरम खान को अकबर ने कौन सा पद दिया था, वकील का पद दिया था, जिसका अर्थ प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। अकबर किसे खान बाबा कहकर पुकारता था, बैरम खान को पुकारता था खान बाबा कहकर। छठगन, खान बाबा बैरम खान ने हुमायूं को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा कब्जा करने में बहुत ही मदद की थी और जबरदस्त रूप से सैन्य संचालन किया था। छठगन, बैरम खान एक वीर योद्धा स्वामी भक्त व्यक्तित्व था। जब हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया तब अकबर को दोबारा सत्ता दिलाने में भी बैरम खान का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि अकबर उस समय एक छोटा सा बालक था, एक निरीह मासूम सा बालक जिसकी उम्र मुश्किल से 13-14 साल हुई थी। छठगन, अकबर इन्हें प्यार से खान बाबा कहता था और पिता के तुल्य मानता था, हुमायूं की तरह मानता था खान बाबा को, बैरम खान को। लेकिन बैरम खान और अकबर की बहुत ही निकटता को देखते हुए सबसे ज्यादा यदि किसी को ईर्ष्या और द्वेष हो रही थी तो वह थी अकबर की सौतेली माँ, धाई माँ महामंगा को, जो कि अकबर को अपने इशारों पर नचाती थी। छठगन, जब अकबर और बैरम खान के संपर्क और संबंध काफी नजदीक हो गए, अकबर बैरम खान को पिता तुल्य मानता था, उनकी बातों को कभी भी इनकार नहीं करता था, तब महामंगा ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए और बैरम खान के खिलाफ अकबर के कान को इतना भर दिया, इतने नेगेटिव बातें कह दी कि अकबर ने बैरम खान को प्रस्ताव दे दिया कि वह हज यात्रा पर चले जाएं। बैरम खान निराश हो गया और हज यात्रा पर चला गया। लेकिन हज यात्रा जो कि उस समय गुजरात से प्रारंभ होती थी, गुजरात के पाटन नामक स्थान में जैसे ही वह पहुंचा, मुबारक खान नामक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। छठगन, अकबर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपने मुख्य संरक्षक को खो दिया, परम संरक्षक को खो दिया, सुख दुख के साथी को खो दिया, पिता तुल्य अभिभावक को खो दिया, खान बाबा को खो दिया बैरम खान। छठगन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। छठगन, अकबर के जीवन में एक और व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं जिनका नाम है महामंगा। छठगन, यह अकबर की सौतेली माता थी जिसे धाई माँ भी कहा जाता था। इसने अकबर की देखभाल की थी, अकबर को हमेशा राजनीतिक परामर्श और अन्य परामर्शों में योगदान देती थी। एक सशक्त महिला थी, इसे प्रशासन चलाना भी आता था और यह दरबार में भी बैठती थी, दीवाने आम दीवाने खास में भी यह बैठती थी। छठगन, अकबर इसकी बात को उठाता नहीं था और अपनी माता की तरह महामंगा को मानता था। लेकिन छठगन, महामंगा अंदर से बहुत ही कुटिल, साजिश करने वाली, ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई महिला थी। छठगन, इस महिला ने क्या किया, महामंगा ने, यह दिखाने को अकबर को दिखाती थी कि वह उसके माता के जैसी है, लेकिन यह अकबर के खिलाफ हमेशा साजिश रचती थी और अपने बहुत ही विलासिता और ऐश्वर्य में डूबे हुए बहुत ही नालायक पुत्र आदम खां को अकबर के स्थान पर शासक बनाना चाहती थी। छठगन, अकबर को जब इस साजिश का पता चला तो उसने महामंगा को कारावास की सजा दे दी। छठगन, इसका पुत्र आदम खां भी ऐश्वर्य विलासिता में डूबा हुआ था, भ्रष्टाचार में संलिप्त था और हमेशा जो है अकबर के खिलाफ साजिश करता रहता था। अकबर ने इसे दंड दिया और राजमहल के छत से दो बार फेंकवा करके इसकी हत्या करवा दी। तो छठगन ध्यान रखिएगा, आदम खां कौन है, अकबर का सौतेला भाई। पूछेगा किसकी अकबर ने हत्या मुगल राजमहल के छत से दो बार फेंकवाकर करवा दी थी, आदम खां की। आदम खां किसका पुत्र था, महामंगा का। महामंगा के शासनकाल को मुगल कालीन शासनकाल में क्या कहा जाता है, पेटीकोट शासन कहा जाता है। छठगन ध्यान रखिएगा, पेटीकोट शासन कहा जाता है क्योंकि अकबर इसी शासन के अधीन था। महामंगा जो कहती थी अकबर उसे मानता था, दिन को दिन रात को रात। तो छठगन, महामंगा का शासन मुगल कालीन शासन व्यवस्था में पेटीकोट शासन के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही हिट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक चीजों को छठगन याद रखना होगा। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। पैनी निगाहें आपको रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को छठगन याद रखना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब छठगन हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की
धार्मिक नीति नीति लिखेंगे छगन। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। नेक्स्ट, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। सभी धर्मों का सम्मान करता था। नेक्स्ट, इसने 16 एकुल अर्थात सर्व धर्म संभाव संभाव की नीति अपनाई थी। सुलहे उल अर्थात सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, अकबर के धार्मिक नीतियों में कट्टरता के स्थान पर उदारता शामिल थी। नेक्स्ट, अकबर हिंदू मित्र के मृत्यु पर बाल मरवाता था, सूर्य नमस्कार करता था, हिंदू पर्व त्योहारों में बढ़ चढ़कर भाग लेता था तथा जोधाबाई के लिए इसने राजमहल में भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, तीर्थंकर अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए। नंबर एक, 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। नेक्स्ट, 1562 में ही अकबर ने युद्ध बंदियों से बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। नेक्स्ट, 1563 में अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स तीर्थ यात्रा कर को
समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, 1564 में तीर का निशान छतगन, 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर एक अनुकरणीय कदम उठाया। जजिया कर को समाप्त कर एक अनुकरणीय कदम उठाया उठाया। नेक्स्ट हो गया कंप्लीट छत्तर। नेक्स्ट तीर का निशान, वेरी गुड। 1575 में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना या प्रार्थना गृह का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, 1578 में अकबर ने इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। 1578 में अकबर ने इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। नेक्स्ट, अकबर के इबादत खाना में निम्न धर्म के प्रतिनिधि उपस्थित होते थे। लिखेंगे नंबर एक छतगण, हिंदू धर्म पुरुषोत्तम एवं देवी। नंबर दो, पारसी धर्म दस्तूर जी मेहर जी राणा। ईसाई धर्म अक्का बीवा एंथोनी मंसेरात। अक्का बीवा एंथोनी मंसेरात। जैन धर्म हीर विजय सूरी, हीर विजय सूरी। विजय सूरी। नेक्स्ट तिरगंशन, 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा की। महजर, या इसी को मजहर भी कहते हैं, महजर या मजहर की घोषणा की, जिसके तहत किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यदि किसी भी प्रकार का विवाद
होगा तो उस विवाद का अंतिम रूप से निपटारा अकबर द्वारा किया जाएगा, अकबर द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट तीर्थंकर 1582 में अकबर ने एक नया धर्म प्रारंभ किया जिसका नाम दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही था। अकबर ने एक नया धर्म प्रारंभ किया जिसका नाम दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही था। नेक्स्ट, इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रगण, बीबीआई कर दीजिएगा, बीरबल था। नेक्स्ट, इस धर्म के प्रथम पुरोहित अबुल फजल थे। जो भी इस धर्म को अपनाता था उसे आजीवन मांस मदिरा एवं अन्य गलत चीजों से दूर रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट, 1583 में अकबर ने सूर्य सिद्धांत पर आधारित एक नया कैलेंडर जारी किया था जिसे इलाही सनवत कहा जाता है। नेक्स्ट, अकबर ने सती प्रथा पर एवं बाल विवाह पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट, अकबर ने लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। नेक्स्ट, तीर्थंकर अकबर ने सिखों के चौथे गुरु एवं अपने मित्र गुरु रामदास को पंजाब के अमृतसर शहर में
पंजाब के अमृतसर शहर में 500 बीघा जमीन स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए उपहार में दी थी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए उपहार में दी थी। नेक्स्ट, अकबर होली, दशहरा, दिवाली के उत्सव में भाग लेता था। छतगन, ये है अकबर की धार्मिक नीति, उसके धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, गौर कीजिएगा। छतगन, संविधान में दो शब्द आपको पढ़ने हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। छतगन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों को एक समान नजरों से देखना। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ करना, दूसरे के धर्म को निकृष्ट कहना, दूसरे के धर्म को निंदा करना, यह है सांप्रदायिकता। दोनों चीजों को आपको याद रखना होगा छतगन, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और याद रखना होगा। पूछेगा कौन सा मुगल शासक धर्मनिरपेक्ष था? अकबर। किस मुगल शासक ने सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाई थी? अकबर ने। किस मुगल शासक ने सुलहे कुल का सिद्धांत दिया था? अकबर ने। कौन सा मुगल शासक सभी धर्मों के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखता था? अकबर। किस मुगल शासक ने सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाई थी? अकबर ने अपनाई थी, जिसे सुलहे कुल का सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन ध्यान देंगे, अकबर की धार्मिक नीति में छतगन कट्टरता नहीं थी, उदारता थी। छतगन, ये सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना रखता था, सभी धर्मों के प्रति प्रेम सहिष्णुता की भावना रखता था, धार्मिक सहिष्णुता की भावना अकबर द्वारा रखा जाता था, इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा। छतगन, धार्मिक सहिष्णुता, सुलहे कुल का सिद्धांत, सांप्रदायिक सौहार्द, सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत को अपनाते हुए इसने क्या क्या किया, उसे आपको जानना जरूरी है। छतगन, 1562 में इसके द्वारा दो कार्य किए गए थे। पहला कार्य था छतगन, दास प्रथा का अंत, जो कि गुलाम बना करके रखा जाता था लोगों को, उसका इसने अंत कर दिया। दूसरा छतगन, युद्ध बंदियों से बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक। छतगन, जो भी युद्ध में जो युद्ध बंदी बनाए जाते थे, है ना, उनसे बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करा लिया जाता था। जैसे हिंदू राज्य पर कोई मुगल शासक कब्जा कर लिया तो वहां के सारे हिंदू प्रजा को मुस्लिम बना दिया जाता था बलपूर्वक। अकबर ने कहा नहीं, स्वेच्छा से आप बनते हैं इट्स ओके, लेकिन बलपूर्वक आपको तलवार की नोक पर या छल पूर्वक धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। पूछेगा किस मुगल शासक ने युद्ध बंदियों से बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी थी? अकबर ने 1562 में। दास प्रथा का अंत किस मुगल बादशाह ने किया था? अकबर ने किया था 1562 में। छतगन, 1563 में इसने तीर्थयात्रा कर का समापन कर दिया जोधा बाई के विशेष आग्रह पर। छतगन, तीर्थयात्रा कर क्या था? हिंदू व्यक्ति अपने हिंदू तीर्थ स्थान काशी, मथुरा, वृंदावन इत्यादि में जाता था तो मुगल सैनिक वहां खड़े रहते थे बाहर में और उससे टैक्स लेते थे, जिसे तीर्थयात्रा कर कहा जाता था। जब जोधाबाई को पता चला तो उसने अकबर से विनती की कि आप प्लीज इसे बंद कर दें। अकबर ने इस विनती को स्वीकार किया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया था। पूछेगा किस मुगल बादशाह ने तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया? अकबर ने। कब समाप्त किया? 1563 में। छतगन, 1564 में अकबर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कदम उठाते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया। मुस्लिम शासकों को सबसे ज्यादा आय जजिया कर से होती थी, क्योंकि उस समय की प्रजा सबसे ज्यादा हिंदू थी, हिंदू बहुसंख्यक थे। छतगन, हिंदू प्रजा से जजिया कर लेना हर मुस्लिम शासक की एक इच्छा होती थी और इससे उसका राजकोष भरा रहता था। अकबर ने
हिंदुओं के दिल में एक अलग और विशिष्ट स्थान बनाने के लिए 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया और हिंदुओं के नजर में इसका जो है सम्मान और भी बढ़ गया, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। 1575 में अकबर ने इबादत खाना अर्थात प्रार्थना गृह की स्थापना की थी। चरगन इबादत खाना का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना गृह, जहां पर लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं। इबादत खाना का अर्थ होता है छतगन, प्रार्थना गृह, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन। 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना की। प्रारंभ में यह केवल मुस्लिम विद्वानों को बुलाता था, इस्लाम के बारे में यह जानकारी हासिल करता था, लेकिन बाद में इसने हर धर्म के विद्वानों को बुलाना शुरू किया। छतगन हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम और देवी जाके हिंदू धर्म के बारे में इसे बतलाते थे, रामायण महाभारत वेद उपनिषद क्या है इसकी जानकारी देते थे। पारसी धर्म से दस्तूर जी महल जी राणा ऐसे पारसी धर्म के बारे में बतलाते थे। ईसाई धर्म से अकाबीवा एंथोनी मानसरात जैसे विद्वान इसके प्रार्थना गृह में जाते थे, इबादत खाना में जाते थे। जैन धर्म से हीर विजय सूरी इसके प्रार्थना गृह में जाते थे और जैन धर्म के महत्ता के बारे में बतलाते थे छतगन। इस प्रकार से इसने 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना को खोल दिया था, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा इबादत खाना कहाँ था? फतेहपुर सिकरी अकबर की राजधानी में। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब की? 1575 में। इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया? 1578 में खोल दिया था। पूछेगा अकबर ने मजहर या महजर की घोषणा कब की थी? 1579 में, ध्यान रखेंगे छतगन, 1579 में। छतगन क्या था महजर या मजहर? छतगन किसी भी धार्मिक पुस्तक में यदि कोई भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो अंतिम निर्णय अकबर करेगा, यही था मजहर, है ना। कुरान शरीफ में, हदीस में, शरीयत में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कोई भी विवाद होगा, एनी कंट्रोवर्सी विल केम, तो अकबर ही इसका निर्णय लेगा कि सही मायनों में क्या है। यही था उसका छतगन मजहर की घोषणा, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। छतगन अकबर ने 1582 में एक नया धर्म चलाया था, जिस धर्म का नाम था दीदे इलाही या तौहीद ए इलाही। छतगन इस धर्म को अपनाने वाले एकमात्र हिंदू थे बिरबल, और इस धर्म के प्रथम पुरोहित थे अबुल फजल, ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन भी आता है। छतगन क्या था दीने इलाही या तौहीदे इलाही धर्म? जो भी इस धर्म को छतगन अपनाना चाहता था वो अकबर के सामने उपस्थित होता था। अकबर एक मुकुट उसके माथे पर रखता था जिसमें अल्लाह अकबर लिखा होता था, वह अकबर के सामने घुटनों के बल झुकता था, अकबर उसे खड़ा करता था और वह मुकुट उसके माथे पर रख देता था और वह व्यक्ति दीने इलाही धर्म में दीक्षित हो जाता था। छतगन दीने इलाही धर्म में दीक्षित होने वाला व्यक्ति शराब, सवाब, कबाब, मांस, मदिरा, है ना, अन्य विवाह और हर गलत नशीले पदार्थों से दूर रहता था, तथा उसे इस धर्म को अपनाने के बाद विवाह करने की भी छूट नहीं थी। छतगन यह धर्म अपने आप में अकबर की धार्मिक महत्वाकांक्षा का सर्वोच्च मुकाम प्रदर्शित करता है, जिसे आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक चीजों को स्मरण करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। छतगन 1583 में अकबर ने सूर्य सिद्धांत पर आधारित इलाही सनवत जारी किया था, है ना। 1583 में क्या था ये? तिथियों की गणना के लिए ये सनवत जारी किया गया था, जिसका नाम था इलाही सनवत। 1583 में सूर्य सिद्धांत पर आधारित था, इसे भी आपको छतगन याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन इलाही सनवत के पश्चात जो है अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक लगाया, ईसाइयों को लाहौर और गिरजाघर में, लाहौर और आगरा में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी, साथ ही साथ सिखों के चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन अमृतसर में उपलब्ध कराई, जिसमें आप स्वर्ण मंदिर वर्तमान में देख रहे हैं। छतगन स्वर्ण मंदिर अकबर द्वारा दी गई भूमि पर ही बनाया गया था। 500 बीघा जमीन इसने सिखों के चौथे गुरु रामदास, जो कि अकबर के मित्र थे, उन्हें प्रदान की थी। तो छतगन यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है। होली के उत्सव में भाग लेना, हिंदू मित्र के बनने पर बाल मुड़वाना, तिलक लगाना, सूर्य नमस्कार करना, दिवाली पर राजमहल को जगमग रोशनियों से सजा देना और दशहरे के उत्सव में भाग लेना, जोधाबाई अपनी पत्नी के लिए के आग्रह पर राजमहल में
भगवान कृष्ण का मंदिर बना देना, भगवान कृष्ण को प्रणाम करना, जूते चप्पल खोलकर मंदिर में प्रवेश करना, ये अकबर के व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण थे, उसके धार्मिक सदाचार और धार्मिक आचरण को प्रदर्शित करते हैं छतगन, इसीलिए उसे द ग्रेट किंग कहा जाता है। आपको इसे ध्यान में रखना होगा छतगन। तो ये है अकबर की धार्मिक नीति और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू जो आपको हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में कारगर साबित होंगे छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को छतगन मनन करना होगा और याद रखना होगा। छतगन, आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अकबर की धार्मिक नीति के पश्चात अगले कक्षाओं में हम लोग छतगन अकबर की राजपूत नीति क्या थी, अकबर का साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे हुआ, अकबर के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे, ये सारी चीजों को हम लोग छतगन जानेंगे। ये सारी चीजें भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत जबरदस्त रूप से आती है। तब तक के लिए छतगन आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।